ब्लॉग में आ रहे हो हमारे यार तुम। खुश हो गया ये फैसला बात, हम आए और तुमने हमें पहचान ली। हाँ जी मैंने आपको। करीब ही रहते हो? जी करीब ही रहते हो, यहाँ ही हूँ। गुड हो गया यार। कुछ कहना चाहते हो टीम के मेंबर्स के लिए? मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अजोन से बाहर आई हैं। ये बाबू है? नहीं ये बाबू नहीं, और एक और था अजोन सा, जोजी। हाँ जोजी रो, जोजी अगर इंडोर क्रिकेट से बाहर निकल के अगर वो अब वो PSL खेले हाँ तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जोजी प्लेयर है सही वाला। जो बात है, लेवल प्लेयर है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये पूछ रहा था कि आप लाहौर कितनी बार विजिट किया आपने? यार लाहौर से एक ही बार विजिट किया, यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, लोग भी अच्छे हैं, मोहब्बत वाले लोग। उसके पास अंदरूनी साइड थोड़ी है, वो बहुत काफ़ी लाहौर में भी ना एरिया वाइज है, रीजन वाइज है। हाँ कुछ लाहौर बहुत डेवलप, अगर DHA वाली साइड पे चले जाए, अंदरून लाहौर है वो जरा पुराना लाहौर वो, लेकिन ये वो हिस्टोरिकल प्लेस करके वाम कुछ उसको इस अलग सेंस में उसको। मैंने सुना था फैसलाबाद में दाल चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? वो है एक मन्ना दाल चावल है, वो उधर ही है, घेटा के अंदर ही है। दुकान है या ठेला है? नहीं दुकान है, पर मन्ना दाल चावल। अब इस टाइम भी आप याद कर ले भाई, मन्ना दाल चावल वहाँ पे बट कढ़ाई भी है, वो भी बहुत मशहूर है। बट कढ़ाई उधर है, जलंधर फिश वाला भी है, वो तो हमने कल गए थे हम लोग वहाँ, पंजाब टिक्का हाउस वगैरह भी है ना। चलो गुड यार, इंशाल्लाह ताला कभी फारिग होकर आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। फिर मैं यहाँ पे थे मैचेस के लिए आए थे इन लोगों से, तो मैंने बोला यार जब जा ही रहे तो इंशाल्लाह बता देते, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। हाँ जब मैंने यार मैंने बोला जब एरिया में है, जब यहाँ के लोग काफ़ी मैसेज कर रहे थे ना, मेरे गोबरों पर लग गया, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे यार अब आ रहे हो कहाँ आ रहे हो, मैंने लगा चलो यार बता दो। कराची में बताने का बड़ा मसला होता, कराची में बड़ी भीड़ लगती है। हाँ और यहाँ हम सिर्फ मैं और बाबू हैं, बाकी वो टीम है, खुदा ना खास ज़्यादा लोग ऐसे कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन खैर लोग बहुत अच्छे हैं कराची में भी, बहुत अच्छे हैं कराची में। ये कि हमारी शुरू से वहाँ पे वीडियोस बनी है तो वो ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन ये है कि पूरा पाकिस्तान ही अपना है यार, पूरी एक ही कौम है, क्या फैसलाबाद लाहौर कराची। हाँ फिर पूरा पाकिस्तान देखते हैं, तो हम तो कराची के नुमाइंदे नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से इंडियंस भी देखते हैं। हाँ जब वो ये देखेंगे यार मेजॉरिटी इंडियंस। हाँ असल में ना वीडियो रैंक वहाँ पे जल्दी होती है, क्योंकि इंडिया में ना टेप बॉल क्रिकेट का रुझान नहीं है, वहाँ बगैर टेप वाली बॉल से क्रिकेट होती है, और हमारे जो यहाँ बैट हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के, वो देख के हैरान होते हैं यार, इतने महंगे भी बल्ले होते हैं। वैसे भी इंडिया की आबादी बहुत है, बहुत है, तो वो बहुत जल्दी उधर तो लोग शेयर भी बहुत करते हैं ना, पाकिस्तान इतने शेयर नहीं करते। हाँ। और जो कमेंट पर ज़्यादा उनके ही। हाँ और इंडिया के भी लोग बहुत अच्छे हैं, जब वही बात है यार, लोग के एडवांटेज के, वहाँ के भी कुछ लोग अच्छे हैं। हाँ। उनमें कुछ भी गंदे कंडे हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं, हर किस्म के लोग हर जगह। जो बात है, जो बात, इंशाल्लाह ताला हमारा मैच शुरू होने वाला है, तो अभी हमारी गैदरिंग होगी, दुआ वुआ होगी, बाकी दुआ करिएगा हमारी टीम के लिए, ठीक है मेरे भाई, आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है भैया, तू सही है भाई, शुक्रिया यार। कब शुरू होगा मैं राज भाई? हाँ मेरी जान, हाँ बैठने देंगे, बात कर लेंगे, वहाँ के मुझे बैठने देंगे तो उनको भी बैठने नहीं देंगे। बाउंड्री के बाहर कुछ दिखता है, अक्सर हम पंजाब के इलाकों में खेलने गए, सिर्फ ग्राउंड ही दिख रहा होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता। अच्छा वेरी वेलकम, जी हैं सत बिस्मिल्लाह, वेरी वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। ग्राउंड क्लियर कर दे बच्चों, वेलकम सर से शाम का ग्राउंड क्लियर कर दे मेरे भाई। वो समझ नहीं आई जी, कराची के कप्तान आ गए बिस्मिल्लाह, कराची के कप्तान टॉस के लिए आ गए अंदर, मेहरबानी कराची के कप्तान टॉस के लिए आ गए अंदर, मेहरबानी टॉस के लिए स्टेज पर आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्त ग्राउंड से बाहर चले जाएं, बहुत शुक्रिया के साथ, थैंक यू वेरी मच कल बाबू, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई का, बिला जी का और साउंड ऑपरेटर साहब का, सबका शुक्रिया। कराची कप्तान स्टेज पर आ जाए, वो इतनी पेरी हुई और सर तो क्या करना है, बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, हुआ है। चले जी टॉस होने जा रहा है इंशाल्लाह आज के पहले मैच का,
वो टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, देखो बाकी देखो टॉस हम ही जीतेंगे, वो बैटिंग करेंगे, सिक्का बैटिंग करेंगे। टॉस हो के नहीं दे रहा यार, थोड़ी देर हो गई। बोल क्या रहा है, कौन बोल रहा है? अरे भाई आप मुसलसल मुस्कुरा रहे हो देख के। सबसे दो दिन की जिंदगी में मुस्कुरा रहे सही बात है। नहीं मैं समझ रहा हूँ आप कैमरे को देख के ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं इस इवेंट के बारे में जो कि अपने शहर में है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप है आज के बाद की सरजमीन पर चार चार लगे आप क्या कहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में? हम स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ बिल्कुल, क्योंकि टाइम की पाबंदी जरूरी है। आगे हम बिल्कुल डेढ़ घंटा लेट हो गए, डेढ़ घंटा हम लेट हो गए मैसेज, तो इसलिए मेहरबानी बस सही टोल पर बॉलिंग बॉलिंग करेंगे। चैलेंज करना शेर खान अपने बैट्समैन तैयार कर ले जल्दी जल्दी मैदान में बैट्समैन लेकर आए बैट्समैन लेकर ग्राउंड में आ गए। मैंने पहले बताया भाई मैं मैच से शुरू होने से पहले भाई मेहरबानी है तमाम दोस्तों की जो गैर मुल्क का दोस्त बच्चे रखे ना यार पांच ओवर पांच ओवर खाली कर दे सारी कुर्सियां ने बारी बाद में भी मेरे खपना यार आपकी मेहरबानी है। चार चौथा रोजा आप पावन कर रहे हैं आज भी पावन कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्रंट की सारी कुर्सियां खाली कर रहे हैं भाईजान अपनी अपनी जगह जिधर मर्जी जाके बैठ जाइए कुर्सियां खाली कर दे सारी फ्रंट की बस मेहरबानी करके ये टीमों की जगह है टीमों सिर्फ बैठेगी टीमों के साथ कोई भी गैर मुतलक का दोस्त भाईजान मोबाइल वाले मेहरबानी आपकी यहाँ से उठ जाए क्योंकि सिर्फ ये टीमों की जगह है सिर्फ टीमों ने बैठना है आप इधर उधर हो जाए जिधर मर्जी हमें नहीं आप ग्राउंड में जिधर मर्जी बहुत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह पहले पहले चले जाए बाद में तंग नहीं हमें करना तो इंशाल्लाह बड़े खतरनाक ये यूं देता है ये यूं नहीं देता ये 12 बाबू सीधा देता है वाह वो देखो ये फिश आए होता है ये यूं कवर करता है गोल में हिंदू भाई तुम ऑफसाइड बैठे हैं राशिद भाई को ठंड लग रहा है ये ले बाबू फोर हो गए भाई किसी चीज की तो बता देना नहीं ज्यादा कर ला आप बैठे बैठे मेरी बात सुनिए इधर ऐसे ना खड़े वो सही कह रहा कुर्सी रख के बनाया ताकि आगे पीछे रखे ऐसे नहीं अपने साथ ही बिठा लेना ये देखिए मेरी बात सुनिए ये कैमरे के साथ लगा लें अभी ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है अपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है रिजल्ट और आवाज के बारे में हमें बताना है चलो भाई फाइनली स्टार्ट हो गया मैच भाई ब्रॉडकास्टर के पास हेलो कौन कर रहा है फजल भाई कर रहे हैं बच्चे तीन खड़े हैं चलेंगे आवाज करेंगे इंशाल्लाह मैं आरफ से आता हूं हमारी चैटिंग से जरूरत ही नहीं इतना शुक्रिया शुक्रिया को भी बहुत बड़ा धन्यवाद हां फजल अफरीदी कराची से और सामने करेगा सर दिन भाग से उमर भाई शो फजल अफरीदी नो बॉल ओ माय गॉड नो बॉल अगला बॉल भाई साहब है भाई बहुत
स्टार्ट ही छक्के से कर लिया भाई, स्टार्ट ही छक्के से दे दिया। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारी जो GoPro की बैटरी थी ना वो ग्राउंड में ख़त्म हो गई थी, और सीन ये था कि अगर हम ग्राउंड से बाहर जाते बैटरी लेने तो हम वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी थी, और हमें एक्सेस ही सिर्फ इस वजह से दिया था कि भाई आप पूरा मैच यहीं बैठ के रिकॉर्ड करोगे, अगर आप बाहर जाओगे तो आप अंदर नहीं आ सकोगे। तो इस वजह से हम GoPro की तकरीबन 3 बैटरीज लेके गए थे, लेकिन जब एक ख़त्म हुई तो हमें बाकी 2 के पास जाने का मौका ही नहीं मिला और वीडियो नहीं बन पाई सही से। ये GoPro दिखाने का मकसद ये था कि जो लोग हमसे मिलने आ रहे थे और जो जो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते थे GoPro से, वो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि काफ़ी जगह मोबाइल नहीं निकल सकता है। मोबाइल निकालने में फिर लोगों को ये होता है कि यार मोबाइल निकाला हुआ, देख के संभल के बोलना है, देख के अल्फाज इस्तेमाल करने, इस वजह से हमने GoPro लगाया था। इसका जो कंप्लीट ब्लॉग है वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा। बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिकेट थी, हम लोग जो वहाँ गए वाकई में जो पंजाबी जबान में बोलते हैं ना कि चस आ गई है, बहुत एंजॉय किया। और यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।